नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द फार्मर जर्नलिस्ट और मैं हूं जुबैर अंसारी। हम आज बात करने आए हैं महागुनी पेड़ के बारे में, मतलब महागुनी पेड़ जिसमें कई गुण आयुर्वेदिक गुण भी है। हम उस पेड़ के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ जो किसान है उपेंद्र राम, वो इस खेती के बारे में, वो इस खेती को लगाया है और इस खेती को लगाने से कितना लाभ, यानी कि या यूं कह ले कि यह खेती, यह महोगनी खेती जो है ऐसी खेती है जो लगाने के बाद बैंक अगर जितना पैसा देती है उसका कई गुना ये देती है। सिर्फ यह खेती समय पर, इसकी देखभाल उचित समय पर हो। तो चलिए हम आपको किसान उपेंद्र से रूबरू करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र राम जी। ये महागुनी मतलब महोगनी की खेती, जो वृक्ष और पेड़ जो लगाए हैं, क्या सोच के लगाए आप? मैं आपका पहले नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम उपेंद्र राम हुआ, वार्ड नंबर 3, ये ग्राम पंचायत परमानंदपुर हुआ, उसके बाद में प्रखंड बसंतपुर हुआ। मैं लगभग 2020 में ये योजना महोगनी लगाया है। तो महोगनी मेरा मकसद है कि इसका, इसमें कोई उपजा नहीं हो रहा था, तो हम सोचे कि इसमें महोगनी लगा देते हैं, आम और जितना पेड़ है सब लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर भिखारी मेहता है उसके पास गए, बोलेंगे कि हम 1000 महोगनी लगाना चाहते हैं। वो बोला कि ठीक है, आपको मिल जाएगा, आप क्यों लगा रहे हैं? हम बोले सर देखिए, महोगनी का ऑर्गेनिक तरह से खेती किया जाता है, इसका लकड़ी का आयुर्वेदिक तहत से ये बहुत बीमारी में काम किया जाता है। तो हम सोच लिए कि भारत देश में तो बहुत ऐसा बीमारी है, डायबिटीज है, के बाद में कैंसर नाल ताल बनाया जाता है इस गाछी से। तो इस सोच के हमारा सिद्धांत था कि हम लगभग में मैं बीए पास हुआ, तो हम सोचे कि शादी कोई नहीं मिला, कहले कि एक ऑर्गेनिक खेत है और उसके बाद में क्या कहते हैं कि हम गाछी लगाएं। तो गाछी लगाने के बाद में तो बहुत ही इसमें कष्ट रहा हमको, इतना बालू का जमीन है, इसे लगभग में 2 मोटर लगाना पड़ता है हमको, 1 सप्ताह 2 सप्ताह। तो ये सिद्धांत है। अच्छा, इसकी कीमत जो है काफ़ी कीमती लकड़ी हो, आप इसको कैसे, जैसे केबी बिकता है 1800 से 2500 केबी में बिकता है? जी 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 जी। तो इसमें तो हमारे, हम अपना लिए तो हम लगा लिए, तो मेरे बाल बच्चा के लिए बहुत काम आएगा, पढ़ाई लिखाई में स्वास्थ्य, कोई भी ऐसा हो उसको खोजना नहीं पड़ेगा कोई, मतलब भविष्य की खेती है। जी जी जी। चलिए, बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।